दोस्तों अब मेरे साथ हैं श्री विशेष भृगुवंशी जी। विशेष भृगुवंशी जी वर्तमान में भारतीय बास्केटबॉल टीम के कैप्टन हैं। नमस्कार सर, स्पोर्ट राउंडअप आरकेवाई चैनल में आपका स्वागत है। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका रुझान बास्केटबॉल की तरफ कब हुआ? मैं 2000 से खेलना शुरू किया है। जी सर जी, और 2002 से आप कह सकते हैं मैं नेशनल खेलना स्टार्ट किया मैंने। अच्छा सर। यूपी से ही खेलता था मैं, बनारस से हूँ बेसिकली। अच्छा सर। और 2006 में मैं पहली बार इंडियन टीम में खेला जूनियर की। जूनियर। अच्छा सर। अच्छा अच्छा। और 2008 से मैं सीनियर इंडियन टीम में खेल रहा हूँ। अच्छा। 2010 में मैं पहली बार भारतीय टीम का कैप्टन बना और तब से मैं लगातार इंडियन टीम को एज अ कैप्टन सर्व कर रहा हूँ। अच्छा सर। अच्छा। 2020 में मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला है। अच्छा जी। अच्छा, भारत सरकार से अर्जुन पुरस्कार आपको 2020 में मिला। अच्छा सर। सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी हाइट बहुत अच्छी है, तो आप बताएंगे कि आपने बास्केटबॉल को ही क्यों प्रेफर किया? नेटबॉल भी आप खेल सकते थे, वॉलीबॉल भी आप खेल सकते थे, तो बास्केटबॉल प्रेफर करने पीछे कोई खास कारण था? एक्चुअली बनारस में जहाँ मैं रहता था वहाँ हमारे घर के सामने बास्केटबॉल ग्राउंड था और मेरा ब्रदर खेलता था। अच्छा। वो मुझे बास्केटबॉल में लेके आए। अच्छा, उनको प्रेरित होकर उनसे आपने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। अच्छा सर। तो सर, आपने जो जहाँ जहाँ टूर्नामेंट खेले हैं उसमें सबसे ज्यादा यादगार आपका कौन सा टूर्नामेंट रहा है सर? बहुत सारे यादगार पल हैं। कोई एक विशेष पल हो सर? जैसे दो चार जी। 2014 से पहले 14 में पहली बार चाइना से जीते थे, चाइना जबकि एशिया की नंबर वन टीम है। जी 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 जी। और भारत ने पहली बार चाइना को 2014 में एक मैच में हराया था। अच्छा सर। मैंने उसमें भी एज ए कैप्टन सर्व किया था और टीम मेंबर सर्व किया। जी जी जी। वो एक सबसे ज्यादा यादगार पल था हमारा। जी। और बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं, जैसे 2008 में हम लोग बीच एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आए थे इंडिया पहली बार। अच्छा सर जी। ये सब चीजें कई बार ऐसा है जो यादगार पल है। अच्छा सर, जैसे आपने फॉरेन कंट्रीज में बहुत विजिट किया है, तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं हमारे बास्केटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में और फॉरेन के बास्केटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जी। भारत सरकार आजकल बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है जो रिक्वायरमेंट्स है। जी। बस यही है कि जैसे हमारे एक लीग की कमी थी और लीग अब लॉन्च हो रही है हमारी, मार्च में लीग स्टार्ट हो रही है बास्केटबॉल लीग। हाँ, तो काफी कुछ बदल जाएगा। अच्छा अच्छा जी। तो सर, आप ये जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, इन बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कोविड के बाद ये बहुत अच्छी शुरुआत है उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन की। जी। कि उन्होंने स्टेट चैंपियनशिप कराया और बच्चों को मंत्र अच्छे से खेलना, उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।